मैंने जो बैग देखा है, दिस इज फ्रॉम HK बेसिक्स और ये मेरा है नया टेक बैग एंड आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर अ वाइल और फिर प्रॉपर वीडियोस पे जरूर बनाऊंगा। एक इनिशियल चीज तो बता दूं, देखो तो मेरे कीबोर्ड से मैच करता है और दूसरा द मटेरियल इज रियली गुड एंड काफी हैवी बैग है, मतलब पता चल रहा है हाँ अच्छी क्वालिटी का एक बैग है। बाकी इसको हम कुछ टाइम तक यूज करेंगे, फिर जैसे मैंने कहा एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, व्हाट्स इन माय टेक बैकपैक भी बनाने वाला हूं, उसमें ये पक्का फीचर होने वाला है। तो वीडियो देखेगा चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो बात कर लेते हैं जिस चीज के लिए आप इस वीडियो में मोस्टली आपने क्लिक किया होगा अपार्ट फ्रॉम माय बोरिंग व्लॉग, वो है CTC और इनहैंड के बारे में। तो देखो भाई, मोस्टली कंपनीज में होता है वेरिएबल पे, जो कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमको पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि देखो वो होता है ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कंपनी की परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस, इन सबको मिला के आपका वेरिएबल पे डिसाइड होता है। तो हो सकता है आपको काफी अच्छा वेरिएबल पे मिल जाए एट द एंड ऑफ द ईयर और वेन एवर दे गिव यू द वेरिएबल पे अमाउंट, बट कई बार ऐसा भी होता है और मैंने कई केसेस सुने हैं जिसमें वेरिएबल पे बिल्कुल नहीं मिला है, तो जीरो अमाउंट ऑफ द वेरिएबल पे मिला है। तो CTC तो आपको बहुत बड़ा लगा होगा वेरिएबल पे की वजह से, पर जब इनहैंड सैलरी की बात आ रही होगी, जब आपके पास वो पैसे आने होंगे, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है बहुत कम आए या ना भी आए। तो भाई CTC को सीधा 12 से डिवाइड मत कर दो और खुश हो जाओ कि मेरी सैलरी तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा करोगे तो आपको और कुछ नहीं मिलेगा बल्कि मिलेगा दुख, दर्द और पीड़ा। तो अपने नेक्स्ट ऑफर लेटर जब भी आप देखो तो उसमें ये ध्यान रखना कि आपका वेरिएबल पे कितना है और आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, ये दो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखनी है। जैसे हमारा IBM हो गया, उसमें कोई वेरिएबल पे नहीं होता, आपके सैलरी के कॉम्पोनेंट में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, बेसिक सैलरी और कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स PF एंड ग्रेटुटी, जो कि एंड में आपका ही पैसा है। और आपको ट्राई करना है आप जो कंपनी ज्वाइन कर रहे हो उसमें आपको हाइएस्ट बेस पे मिले, क्योंकि भाई देखो बेस पे का 12% जो होता है ना वो आपका PF और ग्रेटुटी की तरफ कंपनी भी देती है। मान लो 12% आप देते हो, 12% कंपनी भी देती है आपकी तरफ से, मान लो 10,000 रुपये जा रहे हैं ग्रेटुटी की तरफ तो उसको मैच करती है कंपनी, तो टोटल 20,000 रुपये जा रहे हैं जो कि एंड में आपको मिलेंगे, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। और मान लो आपका आपके दोस्त का CTC सेम है, दोनों को 10 लाख मिल रहा है CTC, पर आपका बेस पे हाई है, वेरिएबल पे बहुत कम है, और वहीं आपके दोस्त का वेरिएबल पे ज़्यादा है, तो भाई एंड में ना जब इनहैंड की बात आएगी तो उसको कम मिल रहा होगा इनहैंड, आपको ज़्यादा मिल रहा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका फिक्स्ड पोर्शन ज़्यादा था, उसका फिक्स्ड पोर्शन कम है, उसका जो इनहैंड सैलरी है वो बेसिकली आपकी हो सकता है 20% भी कम हो आपसे, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल पे एंड विच कंपनी इज़ वर्किंग ऑन, या उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, कंपनी के उस क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसी थी, इन सब के बेसिस पे वेरिएबल पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे करता है। वहीं जो अगर फिक्स्ड कंपोनेंट है तो फिक्स्ड है, नाम में ही फिक्स्ड है, साफ पता है इतना ही मिलना है। और अगर आपको जानना है इनहैंड पे कैसे निकालना है CTC से, तो उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि अगर आपको वेरिएबल पे मिलता है तो आप इनहैंड कैसे निकाल सकते हो, आई कार्ड्स में लिंक आ रहा होगा, जाके वो वीडियो जरूर देखना, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। देखो भाई, जिसमें आपका फिक्स्ड सैलरी ज़्यादा होना वो वाला ऑफर आपको सिलेक्ट करना है। टैक्सेस की ज़्यादा चिंता मत करो क्योंकि वो वेरिएबल पे में भी लगेगा, फिक्स्ड पे में लगेगा, टैक्स के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, दोनों सैलरी में लगेगा ही लगेगा, वो एक कंसर्न नहीं होना चाहिए आपका। कंसर्न होना चाहिए कि फिक्स्ड पे कितना मिल रहा है, वेरिएबल पे कितना मिल रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा वेरिएबल पे वाली कंपनी मत लो, सिर्फ फिक्स्ड पे वाली कंपनीज लो, वेरिएबल पे वाली भी कंपनीज कई अच्छी होती हैं, आपको जाना जा सकते हो, बट ध्यान रखना अपना सैलरी स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको पता रहे इन द एंड मंथ के एंड में आपके हाथ में कितने पैसे आने वाले हैं। आपको एक फॉल्स वो नहीं होना चाहिए आइडिया कि मेरे पास भाई महीने के 1 लाख आने वाले हैं, जबकि आपके पास आए 70-80 हज़ार, जो 20-30 हज़ार रुपये का डिफरेंस होगा ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप अपना मंथ प्लान करते हो मेरी तरह। कंक्लूजन ये है कि वेरिएबल पे वाली कंपनीज बेकार नहीं है, ये नहीं कह रहा कि उनको मत लो, मेरी कंपनी खुद वेरिएबल पे भी करती है, क्योंकि हम जब फ्रेशर्स होते हैं तो भाई हमारे पास इतनी चॉइसेस नहीं होती, तब जॉब मिलना इंपॉर्टेंट है, तब एक जगह जाना इंपॉर्टेंट है, अपना करियर स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, बट एज यू प्रोग्रेस आप अपना ऑफर लेटर पे ध्यान दो। अगर आपने 1 साल बिता लिया किसी कंपनी में तो अपने स्ट्रक्चर देखो, कैसे पे आता है, कैसे इनहैंड सैलरी आती है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, और जब आप नया ऑफर लेटर लेने जाओ तो वहाँ का स्ट्रक्चर पढ़ो कि आपको पे मिल रहा है, कितना वेरिएबल पे है, कितना CTC है, कितना फिक्स्ड है। और अगर आपका चॉइस हो तो ज़्यादा जो उस वाली कंपनी को प्रेफर करना है जो ज़्यादा फिक्स्ड पे दे रहा हो। अब देखो भाई, ये भी हो सकता है कि एक कंपनी वेरिएबल पे दे रही हो 20, CTC दे रही हो 20, पर उसमें वेरिएबल पे बहुत ज़्यादा हो, दूसरी कंपनी 15 दे रही हो पर उसमें फिक्स्ड पे ज़्यादा हो, और जब कैलकुलेट करने बैठोगे तो 15 वाली में आपको इनहैंड ज़्यादा मिल रही होगी। तब ध्यान रखना अपना अगला ऑफर लेटर लेते वक्त। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही,
शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको सीटीसी और इनहैंड के बीच में कन्फ्यूजन थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।